तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में। देखिए, एक्सेल के अंदर में जब कोई रिपोर्ट बनाते हैं या कोई डैशबोर्ड बनाते हैं या किसी तरह का अगर आप विजुलाइजेशन तैयार करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका फॉर्मेटिंग, क्योंकि सबसे पहले फॉर्मेटिंग ही दिखता है। आप अगर एक फाइल मेनू बार के अंदर न्यू पे जाते हैं तो न्यू पे देखिए बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको दिख रहे हैं, तो क्या इस रिपोर्ट्स के अंदर जो फॉर्मूला लगा हुआ है, जो चीजें लगी हुई है, वो तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग देख रहे हैं ना। आज हम इसी फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। अब फॉर्मेटिंग में आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे कलर करना है, कैसे बॉर्डर लगाना है, कैसे आपका ये फॉन्ट देना है, ये तो बेसिक सी चीजें हैं और जहां तक मुझे आइडिया है ये आपको पता होगा। तो आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है आप यूज करेंगे फॉर्मेटिंग ट्रिक्स को। फॉर्मेटिंग ट्रिक्स वो छोटी चीज है, छोटी मोटी चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि छोटी मोटी फॉर्मेटिंग ट्रिक्स आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं, ये डिपेंड करता है आपको इसकी यूजेज आप कैसे करते हैं। एक वर्किंग प्रोफेशनल जो इसको यूज कर रखा होगा वही आपको सिखाएगा। ओके यस सर। तो चलिए इसी चीज के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे हमने यहां पे लिखा टेंथ, तो अगर टेंथ आप वर्ड में लिखते हैं तो क्या होता है कि टीएच जो है वो ऊपर चला जाता है ना। आप अगर एमएस वर्ड में सेम चीज अगर लिखते हैं तो टीएच आपका ऊपर चला जाता है, बट एक्सेल में ऐसा नहीं हुआ। एक्सेल में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक्सेल में आपको मैनुअली करना पड़ता है। कैसे करेंगे, डबल क्लिक करें, इस पे जाएं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और फॉर्मेट सेल पे आने के बाद यहां आपको दिखेगा सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट पे आप क्लिक करें, जी हाँ, सुपर स्क्रिप्ट पे आप क्लिक करें एंड ओके करें, तो आपका टेंथ आ गया। ओके, जैसे आपको अगर 10 डिग्री लिखना है तो आप 10 लिखेंगे, स्मॉल में ओ देंगे और फिर डबल क्लिक करके इस ओ को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट एंड ओके, चला गया। ऐसे आपको 10 स्क्वायर करना है 102 और इस 2 को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल, और ये रहा आपका सुपर स्क्रिप्ट। अभी आपको 10 स्क्वायर दिख रहा है ना, क्या सर दिख रहा है ना सर, लेकिन जैसे मैं एंटर मारूंगा ना ये हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि जो सुपर स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है वो काम किस पे करता है, अल्फाबेट्स पे, जी हाँ, टेक्स्ट पे, एबीसीडी पे, एबीसीडी पे करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए सर, एरो 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 लगाएंगे, क्या बोल रहे, नहीं नहीं इसमें क्या होगा कि आपको टाइप करते समय सिंगल कोट लगा के टाइप करना होगा 102 ताकि टेक्स्ट में आ जाए। ठीक है, अब नाउ मैं डबल क्लिक करके इस पे जाऊंगा फॉर्मेट सेल और फिर इसके ऊपर करूंगा सुपर स्क्रिप्ट। अब आ गया, हम बात करते हैं कि आखिर फॉर्मेटिंग होती क्या है। ये तो बेसिक चीजें बता रहा हूं, आप लोग जो दो लोग देख रहे होंगे बोल रहे हैं सर ये तो छोटी सी चीज है। अब चलिए एक बात करते हैं कि मेरे पास इस तरह के कुछ नंबर्स हैं, अभी फिलहाल तो 5-6 नंबर में लिखा, लेकिन ये नंबर्स हजारों में हो सकते हैं, लाखों में हो सकते हैं। अब मुझे सारे नंबर के ऊपर क्या करना है, डिग्री लगाना है, मान लीजिए।
तो मैनुअली हमें ओ लिख के और फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करके फिर राइट क्लिक फॉर्मेट सेल एंड सुपर स्क्रिप्ट करना होगा। क्योंकि अगर हम एक सेल सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, माने सेल सेलेक्ट करके राइट क्लिक फॉर्मेट सेल पे जाके सुपर स्क्रिप्ट करते हैं तो क्या होगा, सॉरी स्ट्राइक थ्रू हो गया गलती से, फॉर्मेट सेल यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट, तो पूरा का पूरा सेल ऊपर जाएगा, समझे। सेल के पर्टिकुलर करेक्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यही प्रॉब्लम आ गई कि चलो किसी तरह से हम सबके बाद में ओ लिख भी देते हैं क्लास में कॉन्केट करके वो तरीके करके, फिर भी मैं सुपर स्क्रिप्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तो सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट पे लाना पड़ेगा। इसको डबल डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ही मजेदार चीज है, देखिएगा आप सोचेंगे सर ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने बगल वाले कॉलन में लिख दिया ओ, इस ओ को लिखने के बाद मैंने टॉप और लेफ्ट दे दिया, कॉलम को बहुत छोटा कर दिया, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक फॉर्मेट में जाके सुपर स्क्रिप्ट लगा दिया। अब हो गई ऊपर, अब बोलेंगे सर ये तो मजा नहीं आ रहा है। चलिए मजा भी आएगा आपको, हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसके जाते हैं बॉर्डर में, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और हम चल जाते हैं बॉर्डर। हम ये वाला बॉर्डर ले लेते हैं, या इस पतला वाला ही ले लिए, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, जो मिडल में जो हॉरिजॉन्टल होता है ना ये वाला बॉर्डर मत रखिए, और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है कर दीजिए व्हाइट एंड ओके कीजिए। अब लग रहा है ना बिल्कुल ये डिग्री है। अगर ऊपर कॉलम पे ध्यान न दीजिए या कॉलम को, कोई जो कॉलम के हेडिंग को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो बिल्कुल लगेगा ना, क्या बोल रहे यस सर। तो इस सर तरह से हम छलावा क्रिएट करते हैं। अब छलावा की बात आई तो चलिए इसका अगला बात करते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक बहुत बड़ा ये लिखना हो, कुछ टेक्स्ट लिखना हो, मान लीजिए हम गूगल से ही सर्च करते हैं और यहाँ पे एक्सेल सर्च कर लिया हमने। एक्सेल सर्च करने के बाद मुझे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ चीजें मिल जाती है, हम इसको कॉपी करते हैं। अब ये सारा चीज एक सेल पे तो ना आएगा, एक सेल पे ना आएगा तो हम क्या करेंगे, कई सारे सेल को सिलेक्ट करके हम करेंगे हम अच्छा मर्ज, फिर डबल क्लिक करके इसको हम पेस्ट करते हैं, और डबल क्लिक कर एक इकट्ठे पेस्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट पेस्ट करेंगे ना तो पेस्ट नहीं लेगा, इसलिए आपको डबल क्लिक करके ही पेस्ट करना होगा। डबल क्लिक करके हमने क्या किया, पेस्ट कर लिया। और फिर यहाँ पे हमने रैप टेक्स्ट करेंगे तब जाके दिखेगा, आप यहाँ से मिडल कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे, ये सेंट्रल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें जो कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे जो गए आपका आ रहा है मैक, मैं चाहता हूँ मैक को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, हटाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि मैक जो लिखा हुआ है ना गलत लिखा हुआ है, मैक यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और जाइए फॉर्मेट सेल, और यहां आपको दिखेगा स्ट्राइक थ्रू, दिख रहा है स्ट्राइक थ्रू सर, यस स्ट्राइक थ्रू कर दीजिए और इसकी कलर भी रेड कर दीजिए थोड़ा सा अलग दिखे इसलिए, देन ओके। तो दिख रहा है ना कि हाँ गलत है, लेकिन क्या ये चीज हम नंबर पे कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ नंबर यहाँ पे मान लीजिए रख लिया, ठीक है नंबर है हमारे पास। अब मुझे से इसमें से कुछ नंबर गलत है तो कैसे करेंगे, क्योंकि अगर कोई नंबर गलत होगा तो, सॉरी, कोई नंबर अगर गलत होगा
तो आपके पास अगर इसको प्रिंट आउट में आया पेन पेंसिल हुआ, तो यहां हम इसको यहां से इस तरह से क्रॉस कर देंगे क्या? लेकिन ये तो टूल्स का था इसलिए कर दिया, आपका एक्सेल थोड़ी फीचर हो गया। तो कैसे करें? तो इसका एक तरीका है कि हम फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ फॉर्मेट के अंदर आपको बॉर्डर है, और बॉर्डर में यहाँ आपको दिखेगा कलर रेड दिखेगा, ले लीजिए, और ये मोटा वाला जो है उसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, क्रॉस हो गया। देन ओके, अब मैं यहाँ पे, अब मुझे नीचे भी लगाना, जहां जहां लगाना है वहां वहां F4 कर दीजिए। F4 फंक्शन 4 जो होता है लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। फंक्शन 4 क्या करता है? लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, ठीक है? समझे आप लोग? तो फंक्शन 4 लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। अब इसमें ये तो हो गई हमारी बात। अब इसमें बात होती है कि तो ठीक है, अब सही का निशान कैसे लगाएंगे? तो सही के निशान लगाने का भी हम वही तरीका अपनाएंगे। हम जाएंगे यहाँ टिक के निशान पे, ग्रीन कर देते हैं, और हमने ए बना लिया और ए बना लिया, हो गया। पर ध्यान रखिएगा, जो ये चीज आप कर रहे हैं ना, ये चीज जस्ट आपकी किसकी है? आपकी विजिबिलिटी के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आप इसके ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं, समझे? आप इसके ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं या फॉर्मूले लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपका फॉर्मूला जो है ना बॉर्डर्स को रीड नहीं करता है, फिल्टर जो है बॉर्डर्स को रीड नहीं करता है। तो अगर आपको रियल में सही आप क्रॉस दिखाना है, तो आप इसके बगल में ओ लिखिए। ओ जो होता है क्या होता है? ओ होता है क्रॉस के लिए कैप्स में, और पी जो होता है टिक मार्क के लिए। देखिए, तो हुआ नहीं, होगा तब जब इसके ऊपर हम फॉन्ट में जाएंगे, और एक बाइंडिंग या बेरिंग टू नाम का फॉन्ट होता है, एक बार देख लेते हैं, डब्ल्यू से आएगा एरा। ओके, यस सर। समझ में आ गया आपको? यस सर। अब इसको आप आसानी से फिल्टर ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे ओ हो गया और पी हो गया, दिख रहा है? ओ और पी, समझ गए? यस सर। अब इसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जो हमने बाइनिंग टू का फॉन्ट लगाया, ये बाइनिंग टू का फॉन्ट एक्सेल का पार्ट तो है नहीं, ये विंडो का पार्ट है। मतलब जो फॉन्ट होते हैं वो एक्सेल के पार्ट नहीं होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के पार्ट होते हैं। अब कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज ना हो, या आपके किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लीजिए कि आपके पास जो है वो वर्क ना कर रहा हो, तब क्या करेंगे? उसके बाद उसके लिए भी हमने एक बार किया था, हमने कैप्स में जे को लिखा, और यहाँ अलाइनमेंट में हमारे पास होता है ओरिएंटेशन, मतलब कि कितना डिग्री के एंगल में उसको रोटेट करना चाहते हैं। तो मैंने इसको रोटेट कर दिया -45 डिग्री के एंगल में। जी हाँ, -45 डिग्री के एंगल में, देखिए हो गया, और क्रॉस था ये हमारे पास, समझे? अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम ये जो इसका जो यूज है वो इसी तरह की चीजों के लिए कर सकते हैं?
या हमारे पास कोई और चीजों के लिए एग्जाम्पल है, मतलब जो ओरिएंटेशन है क्या और भी चीजों पे काम करती है? जी हाँ करती है। अब इसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो एक छोटा सा मैं प्रोजेक्ट यहाँ बना रहा हूँ, एक रिपोर्ट बना रहा हूँ। अटेंडेंस मान लीजिए ना, अटेंडेंस रिपोर्ट हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो नेम दे दिए और यहाँ पे हम डेट दे देते हैं। मान लीजिए मैं अप्रैल का ही बना रहा हूँ और हमने इसको पकड़ के ड्रैग कर दिया 30 अप्रैल तक, जुलाई चला गया, वो चला किस लिए? इसमें हम यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं, सॉरी बॉर्डर, और ब्लैंक जगह जितने भी है सब पे हम पी लिख देते हैं। पी लिख के कंट्रोल एंटर प्रेस कर, पी आ गया, सब पे पी कॉपी पेस्ट हो गया। अब मुझे इसको पूरे शीट को सेलेक्ट करके या ऊपर आप किसी भी कॉलम के बॉर्डर पे डबल क्लिक कर देते हैं तो वो ऑटो फिट हो जाता है, मतलब जितना बड़ा कॉलम को चाहिए उतना बड़ा हो जाएगा। फिर इसको जब हम प्रिंट आउट लेते हैं तो प्रिंट आउट में सही नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से जो इसकी मायरिंग नैरो है उसको नैरो कर देता हूँ, और मान लीजिए मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूँ, यहाँ से लेटर को F4 करता हूँ और यहाँ पोर्ट्रेट को लैंडस्केप कर देता हूँ, फिर भी पूरा नहीं आया। स्केलिंग में करता हूँ, एक काम करता हूँ Fit to 1 page कर देता हूँ, तो Fit to 1 page करने पे इतना छोटा आ रहा है कि आप इसको पढ़ नहीं सकते, इसलिए नो स्केलिंग में यहाँ पे कर देता हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि मैं पढ़ सकूँ, तो मैं डेटा को देख रहा हूँ कि डेटा में हमारा डेटा तो नॉर्मल है, पी और ए एक ही करेक्टर का है, हमारा बड़ा हेडिंग है, तो मैंने हेडिंग को सिलेक्ट किया और यहीं पे रोटेशन, जो ओरिएंटेशन आप वहां देखे थे ना, यहाँ पे जाके देखे थे, यहाँ पे सेम ओरिएंटेशन आपको यहाँ होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लगाना आसान होता है। तो मैंने क्या किया, इसको लगा लिया, इसको सिलेक्ट कर दिया रोटेट टेक्स्ट अप, और फिर हम पूरे के पूरे शीट को सेलेक्ट करते हैं एंड देते हैं डबल क्लिक। जब डबल क्लिक किया तो आप देखिए कि हमारा डेटा कितना छोटा हो गया। अब इसको आसानी से हम एक प्रिंट पेज में प्रिंट कर सकते हैं, हमारे पास टोटल काउंटिंग और एंडिंग के लिए भी जगह बच गई है। तो तरीके से यह चीज को इस्तेमाल करें तो बेटर चीजें होती है। अब छोटी मोटी चीजें इसके बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं रैप टैक्स की। जैसे मैंने यहाँ पे सुजीत कुमार लिखा तो ये बाहर चला गया, तो हम क्या करते हैं यहाँ से रैप कर देते हैं ताकि नीचे हो जाए। रैप करने से आपका रो बढ़ जाता है, तो मैं चाहता हूँ ना कॉलम बढ़े ना रो बढ़े, मेरा इतनी एरिया में मेरा जगह में मेरा पूरा डेटा फिट हो जाए। तो इसके लिए आपको फॉर्मेट सेल के अलाइनमेंट वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको मिलेगा श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट पे क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिए, देखिए श्रिंक होके फिट हो गया। अब इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये बड़ा हो जाएगा, देखिए आपके सामने में, ओके श्रिंक टू फिट। अब उसके बाद आती है कि मैं चाहता हूँ अपने हिसाब से रैप करना, जैसे मैंने, क्योंकि रैप नॉर्मली करते हो तो कॉलम की हेडिंग और डेटा के अकॉर्डिंग करता है, तो यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करूंगा, जहां पे वहां से वो नीचे हो जाएगा, जस्ट ऑल्ट एंटर। तो ऑल्ट एंटर प्रेस करते ही आपका जहां से तोड़ना चाहते हो वहां से टूट जाता है। उसके बाद मान लीजिए कि मैं यहाँ टाइप करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ सुजीत कुमार को यहाँ एच पे शो करना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंडेन करना है। इंडेन करेंगे तो आपको स्ट्रिंग टू फिट नहीं करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ डैश
2022 सेलेक्ट किया और यहां से इंडियन अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं कि आपको कहां रखे कहां ना रखे। सिंपल से मर्ज है, सेलेक्ट करके आप यहां से मर्ज कर दीजिए, आपका मर्ज हो जाएगा, मर्ज कर दीजिए। अनमर्ज इसी से होगा, इसे मर्ज एक क्रॉस होता है तो सिर्फ आपका रो मर्ज होगा। देखिए यहां पे कॉलम आपका मर्ज नहीं हो रहा है, तो ये यूज भी आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट थी यहाँ पे। अब बारी आती है नंबर फॉर्मेटिंग की। अब जो नंबर फॉर्मेटिंग है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कस्टम का पार्ट है ना, कस्टम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि इसको आज आप ना पढ़े। इसको पढ़ने से पहले एक आर्टिकल को आप पढ़ें, जो आर्टिकल अभी आपको हम मेल कर रहे हैं, क्योंकि जो आर्टिकल जो आपको मेल कर रहे हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टम फॉर्मेटिंग पे दिए गए कोड्स के बारे में। तो आर्टिकल पढ़ के फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे पहले बताया कि आपको कहीं पे मिलेगा नहीं सर्च करने से, क्योंकि तो ये चीजें ऑफिशियल नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है कहीं पे। ये जब यूज करेंगे तब आपको दिमाग माने कि आइडिया आएगा, कंसेप्ट आएगा, या कोई यूज कर रखा होगा तो आपको बताएगा। ठीक है, तो मैं आपको भेज रहा हूँ, ये आर्टिकल का लिंक है, ठीक है, इसको खोल कर एक्सपेंड कर लीजिएगा, उसमें एक्सपेंड होगा। ईमेल आईडी आप लोगों का है, ईमेल आईडी बताएंगे आप लोग अपना? सुबरखा गुलाटी, BARKHA। ठीक,